गुड आफ्टरनून, वेलकम। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी वॉइस आ रही है सबको, नहीं आ रही है? और फेसिंग एनी इश्यू? ऑल आर फाइन? ओके गुड। सो इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस सम कंसेप्ट ऑफ द नंबर। आई विल डिस्कस सम कंसेप्ट बेस्ड ऑन द नंबर। बिफोर दैट आई वॉन्ट टू टेल यू सम स्टार परफॉर्मर ऑफ अन अकेडमी। वेरी गुड आफ्टरनून पुरुषोत्तम, गुड आफ्टरनून प्रवीण कुमार यादव। कैसे हो सब लोग? हाउ आर यू गाइज? क्या हाल चाल है सबके? तो दीज आर द स्टूडेंट्स फ्रॉम अन अकेडमी इन लाइफ साइंस हु सेलेक्ट इन JRF। तो आपको दिख रही है लिस्ट, लंबी लिस्ट दिख रही है, जिन्होंने अन अकेडमी से JRF क्लियर किया है यहाँ पे कोचिंग करके, वो लोग हैं। टॉप रैंक 8 से लेके 161 तक की रैंक के स्टूडेंट भी है, साथ में 200 रैंक के भी है। तो इतने सारे स्टूडेंट्स जो है सेलेक्ट फ्रॉम अन अकेडमी, ठीक है। और इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो रेगुलर क्लासों के अंदर आने वाले स्टूडेंट, तो रेगुलर क्लास ज्वाइन करते थे। तो सक्सेस का मेन पॉइंट ही है रेगुलरिटी। मेन पॉइंट क्या है? रेगुलरिटी है, ठीक है। ये स्टूडेंट जो भी है मैक्सिमम, आनंदिनी एक भी क्लास मिस नहीं करते थे, हमेशा अन अकेडमी के जो भी प्लस क्लास या फ्री स्पेशल क्लास होती थी वो हमेशा क्लास ज्वाइन करते थे। ये मेरी परमानेंट क्लास में आते थे। तो कंसिस्टेंसी इज नेसेसरी। दीज स्टूडेंट फ्रॉम मैथमेटिकल साइंस हु सेलेक्ट इन JRF, ये मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स है जिन्होंने JRF क्लियर किया है फ्रॉम अन अकेडमी, ठीक है। ये सारे स्टूडेंट है मैथमेटिकल साइंस से। एंड दीज स्टूडेंट फ्रॉम फिजिकल साइंस हु क्लियर JRF फ्रॉम अन अकेडमी, एंड दीज स्टूडेंट फ्रॉम केमिकल साइंस हु क्लियर JRF फ्रॉम अन अकेडमी। दीज स्टूडेंट्स हु क्लियर JRF एग्जामिनेशन इन एग्जाम ऑफ नवंबर 2020, जो नवंबर 2020 का एग्जाम के अंदर जो JRF क्वालिफाइड है ये सारे लोग हैं, ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून कृष्णा। एंड ये जो LS जिसको लेक्चररशिप मिला है, इतने सारे स्टूडेंट लाइफ साइंस के जिनको लेक्चररशिप मिला है, एंड ये फिजिकल साइंस के स्टूडेंट है जिनको लेक्चररशिप मिला है, नेट क्लियर हुआ है जिनका। केमिकल साइंस के स्टूडेंट है ये जिनका नेट क्लियर हुआ है, ठीक है। एंड ये स्टूडेंट जो है मैथमेटिकल साइंस के है अन अकेडमी से, जिनका नेट क्लियर हुआ है। ये सारे स्टूडेंट्स जो है ये अन अकेडमी के रेगुलर लर्नर थे एंड दे क्वालिफाइड इन द नेट एग्जामिनेशन। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। ये कुछ चीज़ें थी जो अन अकेडमी की क्वालिफिकेशन, कौन कौन स्टूडेंट क्वालिफाई हुआ, इन सब के बारे में मैंने बता दिया आपको। वेलकम अगेन एंड गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू अगेन। यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। वेलकम टिकम पाल साहू। सो टी के टाइम के अंदर देखें, स्पेशली फॉर CSIR हायर एजुकेशन स्टडी जो होती है, हायर एजुकेशन स्टडी के आप देखोगे नॉर्मली आपको कोचिंग के लिए बहुत मातापच्ची होती है कि कहाँ कोचिंग करें कैसे करें, बट अन अकेडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अभी के टाइम में अन अकेडमी सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CSIR, नेट एंड एनी अदर कंपिटिटिव प्लेटफॉर्म, बिकॉज हियर यू विल गेट ऑल एडुकेटर्स विच आर क्वालिफाइड JRF और नेट क्वालिफाइड, जो जिस सब्जेक्ट के मास्टर होंगे ओनली दैट एडुकेटर यू विल फाइंड एट अन अकेडमी, ठीक है। यू कैन ज्वाइन अन अकेडमी प्लस एज वेल एज अन अकेडमी आइकॉनिक फॉर द CSIR एग्जामिनेशन। दो कैटेगरी यहाँ पे है CSIR के अंदर। अगर आपको लगता है कि आप खुद से बहुत बिल्कुल बैठ के तैयारी नहीं कर सकते हो तो आपके लिए एक अलग से ऑप्शन दे रखा आइकॉनिक के लिए। आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो। इसका सब्सक्रिप्शन कैसे लेते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा किस टाइप से सब्सक्रिप्शन लेते हो। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, जो अन अकेडमी का जो अभी प्राइस है ये भी अगर अपन कंपेरेटिवली कहीं कोचिंग से देखें ना तो बहुत लो प्राइस है, क्योंकि आप मान लो अभी MSc कर रहे हो, MSc के साथ अपनी पढ़ाई यहाँ से आप जिस सिटी में रहते हो वहीं पे आप तैयारी कर सकते हो। आप रात में बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हो,
घर पे ही आपका कोचिंग है, कहीं दूर जाने की आपको जरूरत नहीं है. जस्ट यू रिक्वायर्ड वन सिंगल फोन और इफ यू हैव अ लैपटॉप दैट इज वेरी गुड फॉर यू. लेने के लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है. जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट पूरा मैं कवर करता हूं, ठीक है, जिसमें मेरी प्लस क्लासेस के अंदर मैं सारे कंसेप्ट को डिटेल के अंदर कवर करता हूं. जनरल एप्टीट्यूड जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए. अगर आप जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन रेगुलर करते हो योर थिंकिंग पावर विल बी स्ट्रांग, आपकी थिंकिंग पावर स्ट्रांग होती है, आपको सोचने की शक्ति भी बढ़ती है. एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव सेक्शन के अंदर जनरल साइंस और जनरल एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट हमेशा रहता है. ऐसा कोई भी कॉम्पिटिशन सेक्शन का एग्जाम नहीं होगा जहां इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आता है. दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव सेक्शन, तो प्रिपेयर फॉर इट वेरी नाइसली. एंड फॉर द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माई रेफरल कोड. माई रेफरल कोड इज RAM23LIVE, RAM23LIVE. और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माई रेफरल कोड दिस RAM23LIVE. फॉर दिस सब्सक्रिप्शन पर्पज दिस रेफरल कोड यू हैव टू यूज. बाई यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन फी. एंड फॉर एनी काइंड ऑफ क्यूरीज, अगर आपको कुछ भी पूछना है, यू हैव एनी क्वेश्चन, फॉर दैट यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम लिंक @MotaramLive. वहां पे आपको जनरल एप्टीट्यूड नाम से ग्रुप मिलेगा, जनरल एप्टीट्यूड नाम से ग्रुप आपको मिलेगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है. तो दो टाइप का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, एक प्लस का और एक आइकॉनिक का. यू कैन चूज एनी वन. प्लस के लिए अभी जो प्राइस है ये चल रहा है, ये प्लस के लिए प्राइस है. यू कैन चूज एनी वन. एंड फॉर सब्सक्रिप्शन पर्पज माई रेफरल कोड इज RAM23LIVE जो आपको दिख रहा है. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको दिख रहा है. अब हम लोग आज जो स्टार्टिंग करेंगे वो कुछ नंबर सिस्टम की कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ. नंबर्स के बेस पे जो ट्रिक्स बताने वाला वो आपको देखनी है. कंसेप्ट ऑफ नंबर हम लोग पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ नंबर का हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर. एक एक कंसेप्ट में आपको बताऊंगा, सारे कंसेप्ट बहुत ही यूजफुल हैं. सबसे पहले आज मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन जो करूंगा आपको वो करूंगा साइक्लिसिटी रूल का. सबसे पहले साइक्लिसिटी रूल का कंसेप्ट मैं आप लोगों को स्पष्ट करने वाला हूं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है. मेरा रेफरल कोड जो है HP प्रधान जी वो है RAM23LIVE, ठीक है, RAM23LIVE. ओके प्रधान साहब, RAM23LIVE. ओके, कंसेप्ट ऑफ नंबर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लिसिटी रूल का. साइक्लिसिटी रूल ये रूल कहां यूज होता है, इसका कैसे आपको यूज करना, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में समझाऊंगा कि क्या होता है. जैसे आपको बोल दिया जाए कि 23 की पावर 25 × 29 की पावर 81 × 53 की पावर 55 और आपको पूछा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना. तो आप कैसे फाइंड करोगे, इतना बड़ा नंबर है, इसकी पावर सोल्व करके तो आप यूनिट डिजिट निकाल नहीं सकते. तो यूनिट डिजिट आप कैसे निकालोगे, इसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं. इसके लिए आपको तरीका कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते. तो यूनिट डिजिट फाइंड करने का यहां पे रूल होता है, सबसे पहले आपको जो भी नंबर दे रखा है, कोई भी नंबर है, एनी नंबर, आप कोई भी नंबर ले सकते हो और इस नंबर के ऊपर पावर लिखी होगी, इस नंबर के ऊपर पावर लिखी होगी, ये दो चीज आपके पास होगी, एक तो नंबर होगा इसके ऊपर भी पावर होगी. ये दो चीज आपके लिए बहुत है, इसी से आपको यूनिट डिजिट पता करना है, यही दिया होगा. पर इसके अंदर से भी ये जो नंबर बड़ा सा नंबर है और पावर बड़ी सी हो सकती है, मुझे केवल क्या चाहिए, यहां पे देखिए
इस नंबर का लास्ट डिजिट चाहिए, इस नंबर का यूनिट डिजिट चाहिए मुझे, केवल क्या चाहिए, इस नंबर का तो यूनिट डिजिट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसका लास्ट का नंबर क्या वो मुझे लेना है, और इस पावर के लास्ट के दो नंबर लेने, इस पावर के लास्ट टू डिजिट मुझे चाहिए, और मुझे बाकी नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो हम इसका यूनिट डिजिट निकाल पाएंगे, केवल मुझे दो चीज चाहिए, एक तो यूनिट डिजिट जो नंबर लिखा है उसका, और बाकी जो नंबर है उसके लास्ट के दो डिजिट मुझे चाहिए, लास्ट के दो डिजिट मुझे चाहिए। ये अगर मेरे पास है तो मैं किसी भी वैल्यू का यूनिट डिजिट क्या होगा उसको एक्सपेंड करने के बाद दैट आई कैन फाइंड वेरी इजीली। कैसे, अब देखो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे आपको बोला जाए 2 3 4 5 4 7 ऐसा है, और इसके ऊपर लिख दिया 2 3 4 7। अब मुझे इसको सोल्व करने के लिए क्या चाहिए, मुझे उसको सोल्व करने के लिए कि पूछे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट मुझे अगर फाइंड करना है यूनिट डिजिट, ठीक है, तो क्या करना है मुझे इसके लिए, मुझे ये तो एक तो लास्ट डिजिट चाहिए ये 7 चाहिए, और एक मुझे क्या चाहिए इसके लास्ट दो डिजिट, इसी से मैं यूनिट डिजिट फाइंड कर लूंगा, इसी से मैं यूनिट डिजिट फाइंड कर लूंगा, ये 47 चाहिए। बाकी कितनी बड़ी पावर है और इसके आगे क्या नंबर लिखा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये मेरे कोई काम का ही नहीं है, इसको मैं कहीं यूज नहीं करूंगा। तो अब क्या करना है, जो पावर है लास्ट टू डिजिट ऑफ पावर, लास्ट टू डिजिट ऑफ पावर जो पावर के लास्ट दो डिजिट है उसको डिवाइड करो 4 से, उसको डिवाइड करना है 4 से, 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, तो आपको ये रिमाइंडर देखना है, क्या देखना है, रिमाइंडर देखना है। और जो रिमाइंडर आ रहा है अगर 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3 आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा इस नंबर के ऊपर लिख देंगे, जो नंबर रिमाइंडर आएगा ऊपर लिख देंगे। अगर 0 आ रहा तो 4 लेना, 0 को किसके इक्वल लेना है, 4 के इक्वल लेना है, 0 को 4 के इक्वल लेना है, ठीक है। अच्छा कार्तोस जी आपका मुझे कमेंट दिख गया है, कार्तोस जी आप मुझे इस टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, आप टेलीग्राम में जाइएगा और सर्च कीजिएगा @motaramlive, You will find everything over here. ठीक है, यहां से आपको कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। @motaramlive पर जाइए आप, वहां पर आपको सब कॉन्टेक्ट वगैरह मिल जाएगा, ओके। जनरल एप्टीट्यूड नाम से आपको ग्रुप मिलेगा, वहां से आपको सारा कॉन्टेक्ट मिलेगा। अब यहां पर देखो गाइज, यूनिट डिजिट निकालना है तो जो पावर है वो क्या लगानी है, रिमाइंडर आपका या तो 0 आएगा तो वहां 4 लेना है, 1 आएगा तो 1 ही रखना है, 2 का 2 रखना, 3 का 3 रखना। अब इसके अंदर यूनिट डिजिट निकालना है तो क्या करेंगे, 7 है और 7 के ऊपर 47 है, 47 को 4 से डिवाइड करो, 47 को 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 3, रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा, डिवाइड करके देख लो 47 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाई 4 किया तो 4 1 4 0 7 4 1 4 3 आया, तो जो 3 रिमाइंडर है वो 3 रिमाइंडर लिख दिया, जो आपका शेष बच रहा है रिमाइंडर यही है। तो इसके ऊपर 3 लगा दो पावर, 7 की पावर 3 ज्ञात कर लो, 7 की पावर 3 फाइंड कर लो, तो 7 7 49, 9 × 7 63, लास्ट में कितना आएगा इसका 343 होता है, तो आपका जो लास्ट डिजिट है वही इसका आंसर होगा। इस पूरे का 2 3 4 7 की पावर 2 3 4 7 इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 3 बनेगा, क्या बनेगा, 3 बनेगा। कुछ और एग्जांपल अपन करते हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। देखो अगर ऐसा दे दिया जाए 4 7 4 4 की पावर 5 5 2 1 प्लस 4 7 8 0 की पावर
2801 प्लस 3256 की पावर 443 प्लस 2378 इसकी पावर 992 ये दे दिया मान लो। इसका आपको क्या निकालना है, पूछा यूनिट डिजिट क्या होगा इस एक्सप्रेशन का, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा आपको पता करना है। तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, क्या करना है, हर एक का आपको लास्ट डिजिट पकड़ना है। क्या पकड़ना है आपको, आपको जस्ट लास्ट डिजिट चाहिए और कुछ नहीं करना है। इसका लास्ट डिजिट क्या है, 4, तो ये 4 लिख दो। इसकी पावर कितनी है, 21, पावर कितनी है 21, तो 21 डिवाइड बाय 4 करो, रिमाइंडर कितना आएगा, इसमें जो सेसफल बचेगा वो सेसफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो इसके ऊपर 1 लिख दो। प्लस 0 की पावर कितनी भी कर दो, 0 की लास्ट डिजिट अगर 0 है तो 0 की पावर कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा, उसमें आपको सोचना ही नहीं है, तो इसका तो आप 0 ही लिखोगे। प्लस 6 है तो यहां पे 6 लिखेंगे, इसकी पावर अभी देखते हैं 43 है, 43 को आप 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 3, तो यहां पे 3 लिख देंगे, 6 की पावर 3 लिख देंगे। प्लस 92 को 4 से डिवाइड करोगे, 92 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 0, रिमाइंडर क्या आएगा 0, जब रिमाइंडर 0 आता है तो उसको आपको क्या लेना है, 0 को 4 के इक्वल लेना है, एक ही चीज ध्यान रखनी है, 0 को 4 के इक्वल लेना है, तो यहां पे क्या आएगा 8 की पावर 4। अब आप सोल्व कर सकते हो, 4 की पावर 1 तो 4 ही आया, ये तो 0 है, 6 की पावर 3, 6 की पावर कुछ भी करो हमेशा 6 ही रहना होता, 6 6 36, तो 6 की पावर कुछ भी करेंगे 6 ही रहेगा, 8 की पावर 8 8 64 होता है 64 को 8 से करेंगे कितना आएगा 32 आएगा, और 2 को वापस 8 से करेंगे ना तो 16 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, कितना आएगा 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो। इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दो, कितना हो गया 10 और 6 16 16, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट बनेगा 6। इस पूरे को एक्सपेंड करोगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपको एक ही रूल ध्यान रखना है, केवल आप यूनिट डिजिट को देखो और पावर के लास्ट दो डिजिट को देखो, एक तो क्या देखना है यूनिट डिजिट को देखना है और एक पावर के लास्ट डिजिट को, लास्ट दो डिजिट को देखना है। जो यूनिट डिजिट है उसके ऊपर लिखना क्या है, तो सबसे पहले जो पावर दे रखी है उस पावर को 4 से डिवाइड कर दो, पावर को कैसे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, और रिमाइंडर को ऑब्जर्व करो, अगर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये 4 रिमाइंडर आएंगे। जो रिमाइंडर आ रहा है वो सीधा जो यूनिट डिजिट है उसके ऊपर लिख दो, अगर 0 है तो 4 लिखना है, बाकी सब में कोई टेंशन नहीं है, 0 है तो 4 लिखना है, बाकी सब में कोई टेंशन नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और करवाता हूं, एक एग्जांपल अपन और देखते हैं इसी के अंदर, यहां पे देखिएगा एग्जांपल ऐसा है, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ, 77 की पावर 77 इंटू 88 की पावर 88 इंटू 99 की पावर 99, व्हाट इज द यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जल्दी बताइएगा व्हाट इज द यूनिट डिजिट। अगर इसको पूरा एक्सपेंड करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा वो जल्दी बताओ। साइक्लिसिटी का रूल का एक कंसेप्ट आपको समझा दिया है, केवल एक कंसेप्ट याद रखोगे आप कभी भी गलत नहीं करोगे, केवल लास्ट डिजिट पकड़ना है और ऊपर की पावर के दो डिजिट पकड़ने हैं, चाहे पावर कितनी भी बड़ी हो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्दी कमेंट करो, देखें किसी का आंसर आया तो कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सिंगतम सोनिया जी का 2 आ रहा है, एनीवन एल्स।
यहां देखो सिंपल कंसेप्ट है, सबसे पहले सात देखो, ये वाला क्या है, सात सेवन है, और इसको 77 को 4 से डिवाइड करेंगे, 77 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर आ गया 1, तो यहां से इसके ऊपर मैंने 1 लिख दिया प्लस इनटू 88 की पावर 88, 88 का 8 लिखा, यूनिट डिजिट एक ही चाहिए मुझे, 88 डिवाइड बाय 4 करेंगे, 88 डिवाइड बाय 4 करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0, रिमाइंडर जहां 0 आएगा उसको लिखना है 4, क्या लिखना है 0 को 4, तो उसकी पावर 4 इनटू 99 का 9 लिख दिया, 9 की पावर 99, तो 99 की पावर 99 है, तो 99 डिवाइड बाय 4 करो, कितना आएगा रिमाइंडर, कितना आएगा रिमाइंडर, इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा, तो यहां पे 9 की पावर 3 लिख दो। अब देख लो सीधा, ये तो 7 का 7 रहेगा इनटू 8 की पावर 4, 8 इनटू 8 किया 64 आता है, इनटू 8 करोगे 32 आएगा, इनटू 8 करोगे, चार बार करना है ना, तो चार बार देखो 1 2 3 4 6 आएगा, लास्ट में क्या आएगा इसका 6, तो ये 6 लिख दो, इनटू 9 की पावर 3, तो 9 इनटू 9 किया 81 आया, 81 लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू एक बार 9 और करना है तो 9 और कर दो, आंसर कितना आएगा 9 आएगा, तो यहां पे 9 लिख दो, इनटू 9 लिख दो, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 76 जा 42 इनटू 9, 9 2 जा कितना होता है 18, तो यहां पे लास्ट में आएगा 8, तो इस पूरे का जब एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट आएगा 8। समझ में आ गया कंसेप्ट, एक क्वेश्चन में आपको और देता हूं, एक क्वेश्चन में आपको और देता हूं, उसको भी करो देखें, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2001 की पावर 2001 प्लस 2002 की पावर 2002 प्लस 2003 की पावर 2003 प्लस 2004 की पावर 2004, फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2001 की पावर 2001, 2002 की पावर 2002, 2003 की पावर 2003, 2004 की पावर 2004, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ओके कार्तोस गेमिंग जी, आपका नाम, जल्दी से आंसर दे देगा इसका, ये 2003 है, 2003 की पावर 2003, 1 की पावर 2001, 2 की पावर 2002, तो इसमें क्या आंसर होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, ठीक है देखते हैं, देखो सबसे पहले अगर लास्ट डिजिट 1 है तो 1 की पावर कुछ भी करोगे तो 1 ही आना है, 1 की कुछ भी पावर होती है, 1 के ऊपर कुछ भी पावर है तो आंसर तो 1 ही आना है,
इसका मतलब ये तो, इसका तो वन मिलेगा, इसका तो आपको वन मिलेगा, प्लस ये टू है, टू की पावर अगर अपन इस लास्ट दो डिजिट 02 को 4 से डिवाइड करें, 02 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर इस केस में 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 आएगा, तो 2 की पावर 2 कर दीजिए, प्लस 3 है, 3 के 03 है तो 03 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और इस 3 को इसके ऊपर लिख दीजिए 3 की पावर 3, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब क्या लिखना है, 0 को 4 लिखना है, 0 को 4 लिखना है तो क्या लिखोगे 4 की पावर 4। अब ये तो देखो 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 27 हो गया, 4 की पावर 4 कितना होता है, 64 हुआ, इंटू 4 किया तो 4 16, इसको एक बार 4 से और करना है तो कितना आ गया 64 और 6 × 4 = 24, वापस से 4 बन रहा है, क्या बन रहा है 4 बन रहा है, तो यहां पे 4 आएगा, ठीक है, इसका 7 है, इसका 4 है और इसका 1 है, तो कितना हुआ 4 5 प्लस ये 7 और 4 कितना हो गया 11 हो जाएगा, तो इन दोनों का 1 बचेगा, इन सबको ऐड कर लो चाहे 7 4 11, 11 और 5 16, कितना आया 16, तो लास्ट डिजिट क्या बनेगा इसका 6 बनेगा, क्या बनेगा 6 बनेगा, ठीक है, समझ में आ गई बात सबको कि कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं। ये सिंपल साइक्लिसिटी का रूल याद रखो, एक्स्ट्रा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, एक ही चीज याद करनी है, जो भी नंबर दे रखा है उस नंबर का यूनिट डिजिट देख लो, सबसे पहले ये डिजिट क्या है ये डिजिट पहचानो, यूनिट डिजिट पहचानने के बाद क्या करना है आपको, ये यूनिट डिजिट ले लिया और जो पावर है इसकी लास्ट की दो डिजिट ले लो, जो दो डिजिट लास्ट की उसको डिवाइड बाई 4 कर दो, उसको डिवाइड बाई 4 कर दो, जो रिमाइंडर आ रहा है उसकी पावर में लिख दो, केवल एक ही याद रखना है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसको क्या लिखना है 4 लिखना है, रिमाइंडर 0 को 4 लिखना है, अदरवाइज अगर रिमाइंडर 1 आ रहा तो 1 लिखो, रिमाइंडर 2 आ रहा तो 2 लिखो, 3 आ रहा 3 लिखो, जो यूनिट डिजिट उसकी पावर में लिख दो, ठीक है, तो यहां तो 1 की पावर 1 करो 1 ही आएगा, यहां पे रिमाइंडर 2 रहेगा तो 2 की पावर 2, यहां पे रिमाइंडर 3 रहेगा 3 की पावर 3, और रिमाइंडर 4 रहेगा इस 0 रहेगा तो इसको 0 को 4 कर दिया तो 4 की पावर 4, ये यूनिट डिजिट 4 है इसलिए ऐसा किया है, यूनिट डिजिट 4 है इसलिए ऐसा किया है, ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया साइक्लिसिटी का कंसेप्ट, किस तरह से आप साइक्लिसिटी का क्वेश्चन करते हो ये आपको इसी कंसेप्ट से करना है। अब देखिए एक कंसेप्ट में आपको एक और सिखाता हूं, ये आपको देखना है कि नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ एनी कंपोजिट नंबर, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ एनी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर कितने होंगे, किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर कितने होंगे वो आपको निकालना है, किसी भी कंपोजिट नंबर के फैक्टर कितने होंगे वो आप कैसे फाइंड करोगे। जैसे आपको बोले जाए कि 210 है, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं वो आपको पता करना है, फैक्टर कौन कौन से वो पता नहीं करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं दैट यू हैव टू फाइंड। तो क्या करना होता है इसके अंदर, जो भी आपका कंपोजिट नंबर है उस कंपोजिट नंबर को क्या कीजिएगा, उस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में ब्रेक कीजिएगा, फैक्टराइज इन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है, जैसे केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो नंबर खुद होता है और एक दूसरा होता है। तो यहां पे देखिए गाइज, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि 20 है, 20 के प्राइम फैक्टर करो क्या आएगा, 20 को पहले 2 से डिवाइड करोगे, 2 से क्या कितना आया 10, 2 से क्या कितना आया 5, 5 से क्या कितना आया 1, तो 20 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 20 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 × 2 × 5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1, ऐसा लिख सकता हूं। तो आपका कोई भी नंबर जो है, एनी नंबर,
कोई भी नंबर जो होता है उस नंबर की पहले आपने प्राइम फैक्टर में लिखना है, उस नंबर को प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो यहां से प्राइम फैक्टर में लिखेंगे, जैसे आपके पास मान लीजिए प्राइम फैक्टर एक पी वन आएगा, इसकी पावर आ गई मान लीजिए लैम्बडा वन इंटू, दूसरा प्राइम फैक्टर पी टू आया इसकी पावर आ गई लैम्बडा टू, तीसरा प्राइम फैक्टर पी थ्री आया इसकी पावर लैम्बडा थ्री, इस तरह से लास्ट पावर प्राइम फैक्टर पी एन आ रहा लैम्बडा पावर। तो इसके टोटल फैक्टर जो होंगे, टोटल फैक्टर जो होंगे वो कितने होंगे, लैम्बडा वन प्लस वन इंटू लैम्बडा टू प्लस वन इंटू लैम्बडा थ्री प्लस वन, इस तरह से ये सब के सब मल्टीप्लाई करने हैं आपको, मल्टीप्लाई करने था। इसके पूछे कि 20 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो क्या होगा यहां पे आप देखो तो 2 की पावर 2 है, प्राइम फैक्टर 2 और 5 है, तो 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 तो कितना आ गया 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6, इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे 6 होंगे। इस तरह से अपन किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे वो फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप 20 के नंबर ऑफ फैक्टर पूछे तो 20 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 20 के नंबर ऑफ फैक्टर 6 होंगे। अब यहां पे देखिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे, और आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 348 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। हाँ, एलसीएम नहीं बोलते राहुल, उसको सिंपल प्राइम फैक्टर कर लो, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आप एलसीएम टाइप में लिखते हैं, लिखने का तरीका यही होता है, प्राइम फैक्टर इसको करना बोलते हैं, ठीक है। एलसीएम से आप सोल्व करोगे, फैक्टर करना है तो आप इसको ये डिवीजन करना होता है, एक्चुअली इसको बोलते हैं डिवीजन करना, प्राइम फैक्टर डिवीजन बोला जाता है, ये एलसीएम की फॉर्म होती है इसलिए अपन याद रहता है, ये होता है डिवीजन फॉर्म। तो सबसे पहले क्या करो, इसके आप क्या निकालो, फैक्टर निकालो 348 के, और बताओ इसके टोटल कितने बन रहे हैं, टोटल कितने फैक्टर होंगे। चलो सोनिया जी के 12 फैक्टर आ रहे हैं, चलो देखते हैं। देखो 348 डिवाइड किया 2 से कितना आया 174, 2 से डिवाइड किया कितना आया 87, 3 से डिवाइड किया कितना आया 29 को 29 से किया कितना आया 1, ये इसके फैक्टर होंगे, ये इसके फैक्टर होंगे, और कुछ होंगे बताओ। तो इसको प्राइम फैक्टर लिखो 348 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 29, तो इसको आप ऐसे लिख दोगे 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 29 की पावर 1, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है कि P1 लैम्बडा 1 प्लस 1 इंटू लैम्बडा 2 प्लस 1 इंटू लैम्बडा 3 प्लस 1, इस तरह से प्लस 1 करके सबको मल्टीप्लाई करना। लैम्बडा क्या होगी, तो प्राइम फैक्टर की पावर है, पावर यहां पे कितनी 2 है, तो 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, कितना आंसर आएगा 3 × 2 × 2, 3 4 जा कितना हो गया 12 will be your।
समझ में आ गया कंसेप्ट ये सबको कि किस तरह से अपन किसी भी कंपोजिट नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब एक कंसेप्ट मैं आपको और बताता हूं। नंबर ऑफ डिजिट इन एक्सपेंशन ऑफ हायर पावर नंबर। आपको बोल दे 8 की पावर 96। इसको अगर एक्सपेंड करेंगे, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा, नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा। और इसमें आपको बोल देगा कि लॉग 2 की वैल्यू कितनी है, लॉग 2 बोल देगा 0.3010 है, ऐसा आपको बोल देगा साथ में। अब पूछेगा कि इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे, कितने सॉल्यूशन, जैसे आप करते हैं ना कि भाई 2 की पावर 4 करते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो नंबर ऑफ डिजिट कितना है इसमें, 2 है। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट जो है दैट इज इक्वल टू 2। इस तरह से अगर पूछा जाए 8 की पावर 96 इसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या है, वो कैसे कैलकुलेट करो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए तरीका होता है, मेथड क्या होता है, ध्यान रखिएगा। यहां पे जो लिखा होता है ये है मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन, इसके अंदर लिखूंगा मैं लॉग की पावर 10 और यहां पे जो गिवन नंबर है, यहां पे क्या लिखेंगे, गिवन नंबर लिखेंगे और प्लस 1, इसको बोलते हैं मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन पूर्णांक फलन बोला जाता है, पूर्णांक फलन हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक फलन। अब इसमें क्या होता है कि इस ये जो साइड में लगा ना पूर्णांक फलन, इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर जैसे आपने नंबर लिखा 2.99 मान लीजिए, इसकी आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अगर आपने लिखा 2.01 तो भी आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। अगर आपने लिखा 2.13 तो भी आंसर 2 ही आएगा। इसके अंदर से जो पूर्णांक मान है, जो पूर्णांक मान है वो निकलेगा, चाहे 0.99 हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपने 2.9999 भी आया है तो भी इसको आप 2 ही लिखोगे, ऐसा नहीं है कि इसको आप 3 लिख देंगे। क्रॉसपॉन्डिंग करके अपन 3 करने की आदत होती है, वो नहीं करनी है, वही चीज यहां पे अपन को समझनी है, गलती यहीं पे होती है। ये मेथड सबको आता है पर यहां पे गलती करते हैं। तो इसको आपको पूर्णांक फलन में लेना है, इसको पूर्णांक फलन में लेना है और इसके साथ प्लस 1 करना है, इसके साथ प्लस 1 करना है। तो देखो अपने पास जैसे क्वेश्चन है 8 की पावर 96, तो यहां पे लिखोगे लॉग ऑफ 10 इसके ऊपर 8 की पावर 96 प्लस 1। अब आप देखोगे 96 तो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो लॉग ऑफ 10 96 आगे आ गया मल्टीप्लाई में, उसकी पावर 8 प्लस 1। अब आप लोगों के पास समस्या क्या है, आप लोगों के पास समस्या यह है कि 8 लॉग 8 की वैल्यू नहीं दे रखी, अपन को क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी लॉग 2 की, क्वेश्चन में वैल्यू किसकी दे रखी है, लॉग 2 की दे रखी। तो आप इसको क्या लिखो, 8 को लिखो 2 की पावर 3, 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है। ये प्रॉपर्टी है ना लॉग की, ये 96 आ गया है, ये प्रॉपर्टी होती है। ऐसा लिखा होता है अगर लॉग ऑफ ए की पावर बी की पावर सी है ऊपर, तो सी आगे मल्टीप्लाई, तो इसको ऐसे लिखते हैं लॉग ऑफ ए ऑफ बी, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की। तो यहां पे देखो इसको ऐसे लिख दो 96 लॉग ऑफ 10 2 की पावर 3 प्लस 1, ये 3 आगे आ जाएगा, 96 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 96 इंटू 3 इंटू लॉग ऑफ 10 ऑफ 2, और लॉग 2 की वैल्यू आपको दे रखी है, लॉग 2 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, तो 96 इंटू 3 इंटू 0.3, इतना ही कर लो, आगे करने की जरूरत नहीं है, और प्लस 1, तो ये क्या हो गया 0.9। तो आपको क्या करना है, 96 इंटू 0.9 करना है, तो कितना आएगा, 96 जा 54, 99 जा 81, 81 और 5
86, तो 86.4 यहां से आ गया 86.4 प्लस 1, 86.4 में से क्या निकलेगा, 86.4 में से क्या निकलेगा, 86 निकलेगा और प्लस 1 करना है तो जो 8 की पावर 96 है उसको जब एक्सपेंड करोगे तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट आएंगे 87, 8 की पावर 96 को जब एक्सपेंड करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना आएंगे, 87 आएंगे, कितना आएंगे 87 आएंगे। इसी तरह मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसमें कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको बताता हूं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है सर 81 की पावर 81 नंबर ऑफ डिजिट इन एक्सपेंशन ऑफ इवन नंबर इफ log 3 इक्वल टू 0.47 log 3 इक्वल टू 0.47 ये जल्दी करो, देखें आप लोग जल्दी से कीजिए इसको। जल्दी से कमेंट करो, देखें आपका आंसर अगर आया है तो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। सोनिया जी का 155 आ रहा है, देखते हैं अभी सोनिया जी। देखो तो देखो भाई क्या करना है इसमें, सबसे पहले इसमें ऐसा लिखना है कि log of 10 81 की पावर 81 प्लस 1, ये लिखना है। ये 81 क्या आएगा, आगे मल्टीप्लाई में आएगा तो ये आपका हो गया 81 log of 10 of 81 प्लस 1। पर यहां पे प्रॉब्लम क्या है, यहां पे प्रॉब्लम 81 की वैल्यू अपने पास नहीं है, तो इसको मैं 81 को ऐसे लिख सकता हूं। 81 क्या होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, इसको ऐसे लिख दो 81 log of 10 3 की पावर 4 प्लस 1, ये 4 भी आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 81 इंटू 4 इंटू log of 10 of 3 प्लस 1, आपके पास log 3 की वैल्यू दे रखी है तो क्या आएगा 81 इंटू 4 इंटू 0.47 प्लस 1। तो यहां पे देख लो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबको, 81 4 जा कर लो सीधा तो ये 324 पॉइंट ये 0.47 इससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 करेंगे। सबसे पहले 324 को मल्टीप्लाई करो, 324 इंटू 47 कर लेते हैं, 7 4 जा 28 7 14
16 और 21, 22. 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12. 8 2 2 4 5 एंड 1. 152 पॉइंट समथिंग आ रहा है. 152.28 प्लस 1, तो ये कितना आएगा? 152 प्लस 1, देन योर आंसर इक्वल टू 153. 153 जिसका आया है उसका बिल्कुल सही है. तो इस तरह से अपन को ये क्वेश्चन करना है. समझ में आई बात? कहां गलती कर रहे थे, कहां आपसे सही हुआ. कैलकुलेशन को ढंग से करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है. कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होने चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखें स्पेशली. एक छोटा सा कंसेप्ट हम और डिस्कस करते हैं नंबर्स का. एक छोटा सा डिस्कस कंसेप्ट और करेंगे. नंबर ऑफ जीरोज इन एक्सपेंशन ऑफ फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर है उसका फैक्टोरियल है, उसका एक्सपेंशन करने में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे वो पता करना है. नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे किसी भी नंबर के फैक्टोरियल का एक्सपेंशन का. फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे बोला 34 जैसे 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हो गया? 3 इंटू 2 इंटू 1. आपको बोला 6 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हो गया? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. यह है इस टाइप का कंसेप्ट में क्या करना होता है. आपको पूछेगा नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे इसके एक्सपेंशन के. जैसे इसको एक्सपेंड करें, इसको अगर एक्सपेंड करें तो क्या होगा, इसको अगर एक्सपेंड करें तो क्या होगा, इसको आप एक्सपेंड करके देख लो वैल्यू कितनी आएगी. ये 6, 24, 120 और 720, तो इसके अंदर जीरोज कितना आया? एक आया. कितना जीरो आया? एक आया. तो इसी तरह कोई भी नंबर है उसके अगर फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें तो उसमें कितना जीरो जाएगा वो आपको पता कर. तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो एक मैं एग्जांपल से आपको दिखाऊंगा. जैसे आपको बोले कि नंबर ऑफ जीरोज इन एक्सपेंशन ऑफ 100 फैक्टोरियल. तो जो भी नंबर है आपका, जो भी नंबर है उस नंबर को ऐसे फॉर्म में लिखिए और डिवाइड करना है किससे? 5 से. 5 से डिवाइड करना हमेशा, कोई भी नंबर हो चाहे हमेशा 5 से डिवाइड करना. तो कितना आया यहाँ पे? 20 आया. तो क्वेश्चेंट अलाव क्वेश्चेंट लिखना है यहाँ पे. डिवाइड किस, डिवाइड करो किससे? फिर से 5 से डिवाइड करो 4, फिर तो होगा नहीं. इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आई है. तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आएंगे? नंबर ऑफ जीरोज इन 100 फैक्टोरियल वो होगा 20 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 24. वो 24 के इक्वल होंगे. कितने होंगे? 24 के इक्वल होंगे. अब आपको ऐसा एक एग्जांपल मैं और कराता हूं. ये तो जैसे आपको नंबर दिख रहा है कि इजी नंबर है. आपको बोले कि नंबर ऑफ जीरोज इन एक्सपेंशन ऑफ 151 फैक्टोरियल के एक्सपेंशन में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? टेल मी फास्ट. एक मैं कराता हूं, इसके बाद दो क्वेश्चन आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए. तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, 5 से ही आपको डिवाइड करना है. 151 इसको डिवाइड करेंगे 5 से, कितनी बार जाएगा? 5 3 जा 30 टाइम्स गया. रिमाइंडर रह रहा, उसे कोई मतलब नहीं है. रिमाइंडर से आपको कुछ लेना देना नहीं है. 30 टाइम गया, फिर 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 6 टाइम. फिर 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 1 टाइम. कोसेंट लिखना है यहाँ पे क्या लिखना है? कोसेंट. रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, जितनी बार रिमाइंडर बच रहा है उसको बचने दो, मैक्सिमम डिवाइड कर लो आप.
सेवन और थर्टी, इसका आंसर कितना आएगा, इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ जीरोज होंगे 37, कितने होंगे 37। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। नंबर ऑफ जीरोज अगर आपको फाइंड करना है तो ये कंसेप्ट आप दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अगर आपको पूछे कि नंबर ऑफ जीरोज इन एक्सपेंशन ऑफ वन नाइन्टी थ्री फैक्टोरियल के एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, दैट यू हैव टू कैलकुलेट, टेल मी फास्ट। ओके कृष्णा, एनीवन एल्स? तो क्या करना है इसके अंदर, देखो इसमें क्या करना है, 193 है। ओके सिमी वर्मा, तो 193 जो है इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करके कितना आएगा, 5 3 15, 5 8 38। फिर करेंगे 5 से कितना आएगा 7, फिर करेंगे 5 से कितना आएगा 1, तो ये कितना हो गया 38 + 8, दैट इज इक्वल टू 46। ये कितना आ जाएगा 46। इस तरह से अपन किसी भी नंबर के एक्सपेंशन फैक्टोरियल अगर हो रहा है तो उसमें अपन नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हम लोगों ने आज पढ़ लिए। कौन कौन सा कंसेप्ट पढ़ा आज अपने, एक साइक्लिसिटी का रूल, एक यूनिट डिजिट क्या होगा, दूसरा नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए कंपोजिट नंबर, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होंगे, तीसरा किसी भी फैक्टोरियल के एक्सपेंशन के अंदर, किसी भी फैक्टोरियल के एक्सपेंशन के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो तीन कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, साइक्लिसिटी रूल कि किसी भी पावर के एक्सपेंड करते हैं, किसी भी नंबर की पावर को अपन एक्सपेंड करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। ठीक है, दूसरा किसी भी प्राइम जो कंपोजिट नंबर है उसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तीसरा किसी भी फैक्टोरियल का एक्सपेंशन करेंगे उसमें नंबर ऑफ जीरो क्या आएंगे, और एक चीज और पढ़ी थी, एक चीज और क्या पढ़ी है कि किसी भी हायर नंबर की पावर हायर है तो उसके सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, जब उसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने के अंदर कितने डिजिट होंगे। ये चारों कंसेप्ट आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इन चारों का आप सीख जाइए, आपके बहुत यूज आने वाला है। एक क्वेश्चन इसका सीएसआर में मिलता है इन चारों कंसेप्ट में से। ठीक है, अब जो न्यू स्टूडेंट है जो केवल अनअकैडमी पे नहीं है अभी तक, केवल यूट्यूब मेरी क्लास देखते हैं, उनको बता दूं कि जो YouTube की क्लास होती मेरी डेली नहीं होती है। YouTube की क्लास केवल मंथ के अंदर 7 क्लास है, इन वन मंथ के अंदर YouTube जो क्लास होती है वो केवल 7 क्लास होती है। ठीक है, ये 7 क्लासेज है और ये नॉर्मल मैं सैटरडे संडे को लेता हूँ। अगर आपको पूरा कोर्स करना है जनरल एप्टीट्यूड का, इफ यू वांट कंप्लीट कोर्स ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, कंप्लीट कोर्स आपको चाहिए, then you have to join Unacademy app पे आप जाइए, वहां पे आप मेरी फ्री क्लासेज बहुत सारे देख सकते हो और फ्री स्पेशल क्लासेज बहुत सारी है एंड प्लस क्लासेज भी है। प्लस क्लासेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Unacademy का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना है RAM23LIVE, RAM23LIVE,
ये कोड आपको यूज करना है और सब्सक्रिप्शन लेना ये कोड यूज करके, इससे आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा एंड यू विल गेट मच मोर थिंग्स फ्रॉम दिस कोड। अगर आपको किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी अनअकैडमी रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई इश्यू है, आप सब्सक्रिप्शन लेने में कुछ दिक्कत आपको आ रही है, यू आर फेसिंग एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो उसके लिए आप मुझे इस टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का नाम, ग्रुप का नाम है मोटा राम लाइव, जाके वहाँ पे सर्च कीजिए मोटा राम लाइव, @ मोटा राम लाइव जाके सर्च करोगे तो आपको जनरल एप्टीट्यूड नाम से ग्रुप मिलेगा। ग्रुप किस नाम से है? जनरल एप्टीट्यूड नाम से ग्रुप मिलेगा। उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आपको सारी की सारी जो मेरी फ्री स्पेशल क्लासेज है, प्लस की क्लासेज है, उनकी जानकारी भी आपको मिलती रहे कि कौन सी क्लास कब होने वाली है, यूट्यूब सेशन कब होगा, प्लस क्लास का सेशन कब होगा, ठीक है, वो भी आपको बेनिफिट वहां पे रहेगा। अगर कोई वगैरह पीडीएफ वगैरह होगी तो भी वहां पे रहती है, पीडीएफ वगैरह वैसे अनअकैडमी के ऐप पे भी रहता है और वहां पे भी रहता है, तो आपको जहां से पीडीएफ डाउनलोड करना है कर सकते हो ताकि आपको प्रैक्टिस क्लास के लिए नोट्स वगैरह वहां से मिलते रहे। बहुत सारी पीडीएफ जो है वो आपके ऑलरेडी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर पड़ी है, वहां से आप सीधा देख सकते हो, ठीक है। एंड अब सब्सक्रिप्शन लेना कैसे, मैं आपको बताता हूं कि सब्सक्रिप्शन किस तरह से लेना है। तो यहां पे देखिएगा आप लोग, जब आप गूगल क्रोम खोलोगे, यहां पे अनअकैडमी टाइप कीजिए, इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक लॉगिन, अपना मोबाइल नंबर इसमें डालना है और यहां पे लॉगिन करना है। मोबाइल नंबर डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे यहां पे देखो, जैसे ही अपन मोबाइल नंबर यहां पे डालेंगे आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा। इसके बाद आपका ओटीपी आएगा, लॉगिन आप करोगे तो ओटीपी आपके पास आएगा, ठीक है, ओटीपी आएगा, वहां से आप ये ओटीपी इसके अंदर डालोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर आप अगर पहली बार हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो। वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो, देखिए लॉगिन हो जाएगा। तो अब इसके अंदर देखो क्रैक नीट यूजी या जो भी आपका, यहां पे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या आपका टारगेट सेलेक्ट है, एनटीए यूजीसी नेट, इसमें जाओगे एनटीए यूजीसी नेट जा सकते हो। आप एनटीए में नहीं, आप किसमें हो, सीएसआर में हो तो सीएसआर यूजीसी नेट जाओगे, ठीक है। और गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन यहां पे आएगा, गेट सब्सक्रिप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आप क्या करना है, क्लिक करना है। तो यहां पे दो ऑप्शन आपके सामने खुल रहे हैं, एक खुल रहा है सेलेक्ट प्लस और आइकॉनिक, जो सब्सक्रिप्शन आपको लेना उसमें आप जा सकते हो। यहां पे जाइए सेलेक्ट प्लस के अंदर, तो यहां पे आपको देखो जो फीस स्ट्रक्चर दिख रही है, वन मंथ की कितनी है, टू मंथ की, थ्री मंथ की कितनी है, सिक्स मंथ की कितनी है, ट्वेल्थ मंथ की कितनी है। अगर आप एमएससी फर्स्ट ईयर में हो तो आई विल सजेस्ट यू टेक द 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। कितना का लेना आपको, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है। अभी जो आपको फीस दिख रही है 20,000 दिख रही है, 20,000 दिख रही है ना, तो आप यहां पे कोड अप्लाई कीजिए। कोड अप्लाई क्या करना है, रेफरल कोड यहाँ पे ऑप्शन आता है, वहां पे कोड लिखो RAM23LIVE। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करोगे, अप्लाई करो, यहां पे अप्लाई करते देखो फीस कम हो गई, जो पहले 20,000 फीस दिख रही थी अब वो आपको 18,000 ही दिख रही है। तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलता है अगर आप कोड यूज करते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। एंड अगर आपका कोई भी फ्रेंड सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, अगर आपके पास ऑलरेडी है, देन यू कैन सजेस्ट देम टू यूज माय रेफरल कोड RAM23LIVE फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, ओके। और किसी भी टाइप की जानकारी आपको चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, देन यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का नाम आपको पता है, @ मोटाराम लाइव, वहां पर जाकर सर्च कीजिए टेलीग्राम में। टेलीग्राम क्या सर्च करना है, @ मोटाराम लाइव, @ मोटाराम लाइव सर्च कीजिएगा, आपको ग्रुप मिलेगा जनरल एप्टीट्यूड नाम से। जनरल एप्टीट्यूड नाम से आपको ग्रुप मिलेगा, वहां जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, यू कैन आस्क फ्रॉम मी। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, एंड वी विल मीट अगेन 9 PM विथ फ्री स्पेशल क्लास। अगर जो पहली बार फ्री स्पेशल क्लास ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसको क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड यूज करना है RAM23LIVE। क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड यूज करना है RAM23LIVE।
Okay, thank you, bye-bye.